हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसिया ब्रिंडी। आप सभी का वेजिटेबल साइंस एमसीक्यू सीरीज के 25th पार्ट में स्वागत है। तो इससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जो भी स्टूडेंट्स ICRSRF इन वेजिटेबल साइंस, ICRNET इन वेजिटेबल साइंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं मोस्ट प्रोबेबली बाय संडे। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अपने फ्रेंड्स को या खुद भी वो रजिस्टर कर सकते हैं हमारे साथ। वो हमें कांटेक्ट करें थ्रू ईमेल आईडी और थ्रू कांटेक्ट नंबर, राइट। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं यूट्यूब पे, जो कि फ्रीली अवेलेबल रहेंगी सभी के लिए, यूट्यूब पे जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो वेजिटेबल साइंस MCQ सीरीज है, हॉर्टिकल्चर MCQ सीरीज है, जनरल एग्रीकल्चर MCQ सीरीज है, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड्स हैं, या प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की MCQ सीरीज है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन MCQ सीरीज है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल रहेगी। या दूसरे जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं यूट्यूब पे, जो भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पोटैटो वरायटी कुफरी लिम्मा इज, पोटैटो की वरायटी कुफरी लिम्मा, उसकी मेन फीचर्स क्या है? हिल टॉलरेंट है, सुटेबल फॉर अर्ली प्लांटिंग है, एग्जोटिक क्लोन है, या ऑल ऑफ अबव। तो जो पोटैटो की वैरायटी कुफरी लिम्मा, दैट इज हीट टॉलरेंट भी है, अर्ली प्लांटिंग के लिए सुटेबल है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, और एक एग्जोटिक क्लोन है। तो राइट आंसर इज योर डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ट्यूबराइजेशन इन पोटैटोज, पोटैटो में ट्यूबराइजेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? तो ट्यूबर डेवलपमेंट के लिए पोटैटो में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, दैट इज योर 18 to 20 degree Celsius, right? Next is the optimum temperature for growth of homes in the potato is. अब homes की growth के लिए potato में जो optimum temperature होता है वो कितना होता है generally? तो इसका right answer है आपका B 25 degree Celsius. Next is the optimum temperature for the tuber bulking in potato is. अब potato में tuber bulking के लिए optimum temperature कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज CMS बेस्ड हाइब्रिड ऑफ चिल्ली फॉर ग्रीन चिल्ली पर्पस एंड एंथ्रेक्नोज एंड थ्रिप्स टॉलरेंट इज, इनमें से कौन सा जो है एक CMS बेस्ड हाइब्रिड चिल्ली का जो कि सुटेबल है फॉर द ग्रीन चिल्ली पर्पस के लिए, एंड ये जो हाइब्रिड है दैट इज आल्सो टॉलरेंट टू एंथ्रेक्नोज एंड थ्रिप्स के लिए। इसका राइट आंसर है आपका वी काशी रत्ना, राइट। नेक्स्ट इज लीफ रोलिंग इज फेमिलियर इन रिस्पॉन्स टू, तो लीफ रोलिंग जो है तो एक मेन फीचर है, किसकी वजह से? वाटर स्ट्रेस की वजह से, सॉल्ट स्ट्रेस, हाई नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है आपका ए वाटर स्ट्रेस। तो लीफ रोलिंग जो है डेट इज ए फेमिलियर इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्ट्रेस कंडीशन। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि लीफ रोलिंग जो है एक काइंड ऑफ मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है वाटर स्ट्रेस कंडीशन का, राइट। नेक्स्ट इज एंटीथाइलिन PGRS, एंटीथाइलिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है इसमें से? इसका राइट आंसर है आपका ए सिल्वर थायोसल्फेट। द सोर्स ऑफ हाई ग्लूकोराफेनिन इन ब्रोकलीज, ब्रोकली में आपको पता है जो हमारी ब्रासिका वेजिटेबल्स हैं उनमें ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं, कुछ डिजायरेबल हैं कुछ अनडिजायरेबल हैं। तो ग्लूकोसिनोलेट्स जो होते हैं उनमें कुछ हेल्थ बेनिफिट होते हैं, एंटी कैंसर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ब्रोकली में जो ग्लूकोसिनोलेट लेवल है उसको बढ़ाने के लिए, पर्टिकुलरली जो आपका सल्फोराफेन होता है ब्रोकली में, तो उसको बढ़ाने के लिए कौन सी बाइल स्पीसीज से क्रोमोसोम सेगमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई हैं? तो यानी कि जो मेनली जो कौन सा ग्लूकोसिनोलेट है, ग्लूकोराफेनिन, राइट। तो इसका राइट आंसर है आपका ए ब्रासिका बिलोसा, राइट। तो ब्रासिका बिलोसा से ब्रोकली में क्रोमोसोम सेगमेंट ली गई है और इंट्रोड्यूस की गई है ब्रोकली में फादर ग्लूकोसिनोलेट एनहांसमेंट के लिए। नेक्स्ट इज द होलो ट्रेट ऑफ क्यूम्बर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, क्यूम्बर में जो होलो ट्रेट होता है क्यूकुम्बर फ्रूट में, तो ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो क्यूकुम्बर में जो होलो ट्रेट है डेट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हुक इन 1876 में, राइट। द होलो फॉर्मेशन इन क्यूकुम्बर इज ड्यू टू, अब ये जो होलो ट्रेट है या हम कह सकते हैं होलो फॉर्मेशन जो होती है क्यूकुम्बर में, तो ये किस वजह से होती है? सबसे पहले डिस्कवर किया किसने? हुक ने 1876 में। अब इसके कारण क्या हैं? वाटर स्टोर शॉर्टेज इन द सॉइल, हाई सॉइल नाइट्रोजन, अवरट चेंज इन टेम्परेचर, या ऑल ऑफ अबव। तो जो होलो फॉर्मेशन होती है क्यूकुम्बर फ्रूट में, तो इसका रीजन है आपका
ये सभी ऑल ऑफ अबव, मतलब वाटर शॉर्टेज हो जाए अगर लॉन्ग टाइम के लिए सॉइल में, या हाई सॉइल नाइट्रोजन कंटेंट हो, या अब्रप्ट चेंज इन टेम्परेचर हो, तो ये सभी फैक्टर जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होलो फॉर्मेशन इन कुकुम्बर फ्रूट. नेक्स्ट इज द पैट म्यूटेशंस दैट रिजल्ट इन पार्थेनोकार्पी आर लिंक्ड विद. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पैट जीन है दैट इज एसोसिएटेड विद पार्थेनोकार्पी, तो कौन सी वेजिटेबल में, तो इसका राइट आंसर है आपका भी टोमेटो में, राइट. नेक्स्ट इज जीन्स कॉजिंग पार्थेनोकार्पी आर, इनमें से कौन से जीन है जो कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. IAM, IAH, ROLV या ऑल ऑफ अब. तो ये सभी जीन्स जो है दे आर एसोसिएटेड विद पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट. तो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ अब. नेक्स्ट इज ROLV जीन फॉर द पार्थेनोकार्पी आइसोलेटेड फ्रॉम. तो जो ROLV जीन है पार्थेनोकार्पी के लिए ये किस स्पीसीज से लिया गया, एग्रोबैक्टीरियम नाइजोजेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, रैबिडोप्सिस या सूडोमोनास सिरिंजिस है. तो इसका राइट आंसर है आपका ए, एग्रोबैक्टीरियम नाइजोजेंस से लिया गया है ROLV जीन. द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ए गैस. तो इथाइलिन जो है एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है विच अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ए गैस. तो इथाइलिन जो एक वोलाटाइल गैस है, राइट. नेक्स्ट इज द मेजर एंथोसाइनिन इन ब्रिंजल फ्रूट इज. ब्रिंजल में आपको पता पर्पल कलर किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है. अब उसमें भी मेजर एंथोसाइनिन कौन सा है ब्रिंजल में, साइनिडिन है, नेसोनिन है, लाइकोपिन है या नन ऑफ दिस. तो इसका राइट आंसर है आपका बी, नेसोनिन. नेक्स्ट इज डोनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस जीन्स PD1 फ्रॉम एलियम रॉयली इन अनियन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर. अनियन में आपको पता है जो डोनी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट सोर्स है दैट इज योर एलियम रॉयली, बाइल स्पीसीज अनियन की जो कि डोनी मिल्ड्यू का रेजिस्टेंट सोर्स है. अब इसमें से PD1 और PD2 जीन लिए गए हैं. तो जो PD1 जीन है डोनी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंस है ये कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, इसका राइट आंसर है आपका ए, क्रोमोसोम नंबर 3 पे. नेक्स्ट इज द एस्टिमेटेड जीनोम साइज ऑफ अनियन इज. तो रफ जीनोम साइज कितना है अनियन का, जो एस्टिमेटेड जीनोम साइज है अनियन का दैट इज योर 16 GB. नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस इन पोटैटो इज. अब पोटैटो में इसमें से कौन सी बाइल स्पीसीज है जो कि लेट ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट स्पीसीज है. तो लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस का सोर्स है तो इसका राइट आंसर है आपका ए, सोलेनम डेमिशम. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इनहिबिटर जीन इन पोटैटो इज. वो आपको पता है जो सोलनेसी स्पीसीज होती है उनमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, पर्टिकुलरली जो डिप्लॉइड स्पीसीज है पोटैटो में दे आर सेल्फ इनकम्पेटिबल इन नेचर. अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इनहिबिटर जीन ये कौन सी स्पीसीज में डिस्कवर किया गया था, इसका राइट आंसर है आपका ए, सोलेनम चेकोएंस में, राइट. तो जो सोलेनम चेकोएंस है दैट इज अ सोर्स ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इनहिबिटर जीन, मतलब जो सेल्फ कंपेटिबिलिटी को प्रमोट करेगा और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को इनहिबिट करेगा. रूट गॉलिंग एंड ट्यूबर पाउडरी स्कैब इन पोटैटो इज कॉज्ड बाय. पोटैटो में रूट गॉलिंग रूट गॉल फॉर्मेशन होती है और ट्यूबर में पाउडरी स्कैब हो जाता है. तो ये किस वजह से होता है रूट गॉल फॉर्मेशन एंड ट्यूबर पाउडरी स्कैब इन पोटैटो, दैट इज ड्यू टू स्पोंजोस्पोरा सबटेरेनिया. तो राइट आंसर इज योर ए, राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें. स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी, और जितना हो सकता है आप हमारे चैनल को प्रमोट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कुलीग के साथ शेयर करें. आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी. स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी. जय हिंद, थैंक यू.